नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं की संस्कृत पुस्तक का पंचदशः पाठ, मत्स्य त्रयः कथा, तीन मछलियों की कथा। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हम हल करेंगे। सबसे पहले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला है, गत्वा एतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गत्वा में प्रत्यय है तो गत्वा में कित्वा प्रत्यय है, ये ऑप्शन इसका चाहिए। प्रश्न दूसरा है, जलाशय बहवः सन्ति, तालाब में बहुत सी हैं, तो तालाब में बहुत सी मछलियाँ थीं। स नंबर का विकल्प हम सही करेंगे, मत्स्य। तीसरा प्रश्न है, मत्स्यान जाले बद्ध्वा निशेष्यति, मछलियों को जाल में बांधकर कौन ले गया, तो धीवरः। ब नंबर का विकल्प हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा है, प्रत्युन्मति ही इति पदे उपसर्गः अस्ति। प्रत्युन्मति इस पद में उपसर्ग है, जिसमें प्रति उपसर्ग है। पांचवा प्रश्न है, विशिष्ट रूपेण बुद्धि उपयोगम करोति, विशिष्ट रूप से बुद्धि का उपयोग किया, तो इसका उत्तर होगा प्रत्युन्मति ही। चार नंबर के विकल्प को हम सही करेंगे। आगे है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न छठवा है, धीवरः मत्स्यान ग्रहणाय खालिस्तान आक्षन, इसमें भरेंगे हम जलाशय। सातवां प्रश्न है, चिंता मुक्तः मत्स्यः खालिस्तान आसीत, चिंता मुक्त मछली थी तो वह यद भविष्यति थी, खालिस्तान में लिखेंगे हम यद भविष्यति। आठवां है, कस्मिंचित जलाशय त्रयः खालिस्तान अवशन, किसी जलाशय में तीन खालिस्तान रहती थी, इसका उत्तर होगा मत्स्यः। नौवां प्रश्न है, आग्रहण इति पदे खालिस्तान वचनमस्ति, तो आग्रहण पद में बहुवचन है, यहाँ लिखेंगे हम बहु। दसवां प्रश्न है, खालिस्तान नाम मत्स्यः विनश्यति, इसका उत्तर होगा यद भविष्यति, नाम की मछली का विनाश हो गया, नष्ट हो गई थी। आगे है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। ग्यारहवां प्रश्न है, कस्य ग्रामस्य जलाशये मत्स्यः अवशन, किस गांव के जलाशय यानी तालाब में मछलियां रहती थी, इसका उत्तर है वीला ग्रामस्य यानी वीला गांव में। बारहवां प्रश्न है, जालम के प्रसारयन्ति, इसका उत्तर होगा धीवरः। तेरहवां प्रश्न है, भगवक्षतः अहम जीवामि इति का अवदत, इसका उत्तर हुआ यद भविष्यति, यह वाक्य जो है भगवत इच्छातः अहम जीवामि, यह कहा था यद भविष्यति ने। चौदहवां प्रश्न है, मृतः एव का आतिष्ठत, मरे हुई के समान कौन हो गया था, तो इसका उत्तर है प्रत्युन्मति ही। आगे है, एक वाक्य में उत्तर लिखा, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पंद्रहवां प्रश्न, प्रत्युन्मति ही जलाशय अंतरे कथम प्राविशत, इसका उत्तर है प्रत्युन्मति ही स्वनामानुगुणम मति प्रयोगेण ततः जले आकूर्दत जलाशय अंतरे प्राविशत, यहाँ जलाशय अंतरे लिखा है प्राविशत। सोलहवां प्रश्न है, प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगन्तव्यम् इति के उक्तम्, इस लाइन को कहा था प्रभाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगन्तव्यम् इति धीवरः उक्तम्, यह धीवरों ने यह बात कही थी। सातवां प्रश्न है, धीवरः कम जालात बहिः अकरोत्, इसका उत्तर है धीवरः प्रत्युन्मतिम् जालात बहिः अकरोत्। अठारहवां प्रश्न है, धीवरः सर्वान् मत्स्यान् कथम निशेष्यन्ति, इसका उत्तर है धीवरः सर्वान् मत्स्यान् जाले बद्ध्वाः निशेष्यन्ति। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न उन्नीसवां है, प्रदत्तै अव्यय शब्दै वाक्य निर्माणं कुरुत, यथा प्रातः सोमवासरः अस्ति, यहाँ अव्यय शब्द दिए हैं, इन अव्यय शब्दों की मदद से हमें वाक्य बनाना है। सबसे पहला है, का नंबर में एव, इव से हम वाक्य बनाएंगे, प्रत्युन्मति ही मृतः एव आतिष्ठत। दूसरा है श्वः, इसका बनाएंगे हम अहम श्वः विद्यालयं गमिष्यामि। प्रभाते, प्रभाते शब्द का बनेगा प्रभाते धीवरः जलाशयं गत्वा जालं प्रसाराय मत्स्यान् आग्रहणन्। आगे है नूनम, नूनम शब्द का हम वाक्य बनाएंगे, नूनम अहम विद्यालयं गमिष्यामि। और आखिरी का है तरही, इसका बनेगा यदि मरणमेव निश्चितम तरही जलाशय अंतरेण किम प्रयोजनम। आगे बीसवां प्रश्न है, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम करो, तो निर्देश अनुसार हमें लकार परिवर्तन करना है, जैसे यहाँ लट लकार, लंग लकार, भवती, भवती का होगा अभवत,
वसति का आवसत, गच्छति का आगच्छत, लिखति का आलिखत, कथ्यति का आकथ्यत, वदति का आवदन। 21वां प्रश्न है, प्रत्युन्मत्त्यः कृते जीवन रक्षणाय अन्यत् किमपि उपायं लिखत्। इसका उत्तर है, प्रत्युन्मतिः मृत इव आतिष्ठत् इति उपायं कृत्वा शहधीव्रे जालेन गृहीतना अभवत् ततः सः जलाशय अन्तरे प्राविशत्। अतः सः मृत इव अभिनयं कृत्वा धीवराणां दयायाः मुक्तः अभवत्। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पंचदशा पाठ मत्स्य त्रयः कथा के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।